विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सियासी सेनापति अपनी सेना लेकर जंगे मैदान में कूच के लिए तैयार है। पार्टी अलग, मुद्दे अलग, लेकिन लक्ष्य एक। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासत चरम पर पहुंच रही है। राजनीतिक घटनाक्रम मौसम की तरह रंग बदल रहा है। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में अब सियासी पारा भी यूपी में हाई हो गया है। यूपी के सीतापुर में विधानसभा चुनाव 23 फरवरी को होना है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिश्रिख विधानसभा से गठबंधन का टिकट समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के पुत्र मनोज राजवंशी को देकर विश्वास जताया है। सपा के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी से हमारे संवाददाता ने बात की। बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री ने अपने क्षेत्र में हुए कामों को गिनाया और कहा कि हम लोगों ने जनता के लिए हर संभव मदद किया है। हमारा मान सम्मान और सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है और इसी शर्त पर हम चुनाव विकास कोई ऐसा विकास नहीं है जो विकास माननीय अखिलेश यादव ने नहीं किया हो। चाहे वो 100 नंबर है उसको 112 कर दिया, 102 नंबर, 108 नंबर, ये सारी चलाई हुई गरीबों के लिए गरीबों की योजनाएं हैं और उन गरीबों की योजनाओं के लिए अखिलेश यादव 2012 से 17 तक जो कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है। नैमिष की धरती पर जब आए थे तो 24 घंटे बिजली देने का उन्होंने काम किया, 24 घंटे बिजली नैमिष को दिया था। हमारे गोमती घाट जो जिसको आदि गंगा कहते हैं, उस घाट जितने घाट 7 घाट पे सातों घाट पक्के करने का काम हमने किया। वहाँ पर लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज हमने चालू कर दिया था, शुरुआत कर दी थी, बन रहा था, अधूरा छोड़ भाजपा ने अधूरा छोड़वा दिया नैमिष के अंदर। ठाकुरगंज में जो हमारे 88,000 ईस्वी में तपियो भूमि है, आदि काल से चल रही थी, कोई नहीं जानता था कहाँ पड़ाव हमारे पड़ते, जो यहाँ 11 पड़ाव है यहाँ से हरदोई तक जो 84 कोस परिक्रमा है उसको पूरा पक्का कराने का काम अगवानी अखिलेश यादव ने किया। युवाओं के रोजगार के लिए बेरोजगारी इतनी है जी। और महंगाई इतनी है जी। महंगाई इतनी बड़ी है, जब अखिलेश यादव थे तब यही गैस सिलेंडर 400 रुपये का था और आज 1,000 तो पार गया। यही सब चीज़ें और मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सब क्या है? देश को बेच लिया है मोदी और योगी ने मिलकर, देश को बेच लिया। वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने कहा कि 108 और 100 नंबर गरीब जनता की योजनाओं को नाम बदलने का काम किया है। जनता त्रस्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी मिश्रिख विधानसभा में विजय हासिल जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।